जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं लेता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी एक संगी दिया है ना। प्रभु हमें कैसे संभालता है, आग की पुत्री समान है ना। इस जीवन की यात्रा में कब किसके जीव में क्या होगा क्या मालूम है ना। प्रभु हमें सामर्थ्य देता है ना। कल अपना संगठन बुधर सबेरे 10 बजे थोड़ा साइकिल सवारी के लिए गया था, मार्ग में गिर गया। गिर गया तो इधर जाके बहुत भयंकर जीव मार लगा और इतना सूजन हो गया था। कल में देखा तो एकदम मतलब एकदम, और बात करने के लिए बहुत दिक्कत था। तो एक बड़ा बात है ना, अभी और रात में भी कई जगह पर चोट लेगा, कोई सोचा नहीं ऐसे कुछ बात होगा, लेकिन मतलब ऐसा बात हो गया। तो भी मैं आपको बताने चाहता हूँ, इसके पीछे भी प्रभु का उद्देश्य है ना। कोई बड़ी बात भी हो सकता था लेकिन नहीं, सेवा नहीं दिया। तो आज मैं सुबह जाकर मिला तो काफ़ी फर्क है, सूजन वगैरह थोड़ा ये हो गया, लेकिन फिर भी है सूजन। तो प्रभु का अनुग्रह है तो कल प्रभु लेकर आएगा। तो काफ़ी देर तक मतलब प्रभु के संगति में रहने के लिए मौका दिया, प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रयोग जरूर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना हमारे लिए बड़ा एक कवच है, बिल्कुल बात है ना। कई बार कई अवस्था में हमारे जीवन में हम लोग प्रभु को भूलने का खतरा आ सकता है। इसराइल लोगों के बारे में इतना अनुभव पाया वो लोग है, लेकिन इसराइल को प्रभु बार बार एक बात कहता था, जब वो आयदा के देश में जब पहुंचेगा उधर जा करके तुम एक अच्छा आराम से जीवन बिता करके जब धनदौलत आएगा तो अपने प्रभु को नहीं भूलो, है ना। मतलब ये दुनिया के आशीष लोगों के पास आता है तो लोग धीरे जा रहे हैं, मतलब प्रभु को मालूम भूलेगा, भूलता है वो, है ना। वैसे ही हुआ, मतलब जब अनुवाद 8 अध्याय का 10 से 12 तक का वचनों में मतलब प्रभु ने ये चेतावनी दिया, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा, इसलिए सावधान रहना कि ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। मतलब उस समय में आगे बहुत चेतावनी की बात, उसका 17 वचन पढ़ना। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। मतलब ऐसे ना सोचे और आगे। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। देखो ऐसा प्रभु ने क्लियर चेतावनी दिया, आखिर उनके जीवन में क्या हुआ, उसका 28 अध्याय का 47 48 अनुवाद उसका 28 का। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, देखा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। देखा मतलब हमारे जीवन में हमें कितना अति उत्साह के साथ प्रभु का सेवा करना चाहिए, है ना। प्रभु ने मेरे लिए इतना महान कार्य किया है, इसलिए मैं कितना अभी उस समय का सारे आशीष आर्थिक आशीष था, आज आत्मिक आशीष है, आज एक तो अलग है। अरे पुराने नियम के लोगों में नए नियम के लोगों में कितना अंतर है। आज प्रभु ने हमें इतना आत्मिक गहरी बातें प्रभु ने हमें प्रकट करके दिया है ना। इसके बाद में भी हम प्रभु के प्रति जो हमारा कार्य कैसा है ना, उस अनंतता का दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को रोज प्राप्त करने के लिए हम कहां तक उलझाइए। प्रभु हमें कितना बड़ा अनुग्रह मिला है ये बात को हमें जानना चाहिए है? अभी भी प्रभु में हमें मिला हुआ बुलावट का महत्व लोगों ने नहीं जाना है, हमें जानना चाहिए और प्रभु के प्रति हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए है? हम लोग वो बात हमारे जीवन में हमको प्रकट करना है। पौलुस ने बोला ना, मैं तुमको जब प्रेरितों का 20 अध्याय में
उबारा वचन दो है, बहुत गहरा वचन है ना, 20 अध्याय है उसका, 26-27। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखा, मतलब प्रभु की आलोचना प्रभु से पाकर के मंडली को देते रहा। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, आज भी प्रभु ने मंडली में ऐसे किया है ना, प्रभु की आलोचना कितना गहरा रीति में प्रभु हमको समझा रहे हैं, लेकिन कहां तक लोग उसको अमल कर पाता है अपने जीवन में। हम रोज वजन सुनता है, पर तो वजन कहां तक हमारे जीवन में लाने के लिए हम प्रयास करता है, फिर से बढ़ करके हमारे उत्साह को बढ़ रहा है कि नहीं। देखो जरूर अभी मौसम बहुत खराब है ना, और टोटल कई प्रकार ये खराब मौसम रहने के कारण कई लोगों को कई प्रकार का तकलीफ भी बढ़ रहा है ना, कई बीमारियां भी बढ़ रहा है ना, तो इसलिए फिर भी प्रभु हमको अभी अवसर दिया है। मैं आपको बोलता हूँ आज हमारा जीवन में स्वास्थ्य अच्छा है तो देखो ये स्वर्ग का दर्शन पाने के बाद में हम खुद आत्महत्या तो नहीं कर सकता है, प्रभु के जन करेगा नहीं, लेकिन जल्दी स्वर्ग जाएगा तो अच्छा है। चार दिन ज्यादा इधर ही रहना चाहता है क्या? मैं बोला ना, मैं पिछले दिन भी मैं आपको बोला स्वर्ग जाया गया हो किसी को भी तुम एक हफ्ता टेबल रोटी करके आओ दुनिया में चिड़ी होकर के आओ बोलेगा तो प्रभु प्लीज किसी को भी डर है, क्योंकि वो स्वर्ग का अवस्था बोलेगा तो एक तो मतलब हाँ वो अवस्था से, जैसे अभी वो पहाड़ पर रहने के टाइम पर भी वो एक 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 छोटा स्वर्ग के छाया था, लेकिन कभी भी नहीं छाया वो इतना नहीं बोल सकता है ना, अभी भी पत्रों से बोलते हैं प्रभु हम यहाँ पर रहना अच्छा, अभी नीचे जाने के बारे में पत बोल अपन इधर ही टेंट मार देंगे इधर ही रहेंगे। देखा ऐसा आपको प्रभु को अच्छा लगता है ये बात है, प्रभु की उपस्थिति का वो गौरव हमें हमारा आत्मा में अनुभव करना बहुत बड़ी बात है, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग अपनी उस विषय को आज कम्प्लीट करना ही है, पर कल चारों बोल रहे तो एक ही बोल के खत्म हो गया, तो आज कम से कम बाकी तीनों पूर्ण रूप में करना है, आशा करता हूँ आज पूरा हो जाएगा। तो अभी पांचवा बात है, हमने चार बात देखा, पहली बात आंग, प्रभु जब तक आंग नहीं खोलेगा तो प्रभु का अद्भुत बातों को हम देख नहीं पाएगा, वजन की अद्भुत बात इसलिए लोगों को दिखता नहीं। और दूसरा हमने देखा कान है ना, प्रभु ने कान नहीं खोला तो प्रभु का वजन हम कान लेगा करके सुन नहीं पाएंगे है ना, वो अपने हृदय में ले नहीं पाएगा। तीसरा हमने देखा था हृदय, हमने प्रियो हमको विश्वास करने के लिए एक अच्छा हृदय चाहिए, क्योंकि बीज बोने वालों का दृष्टांत में वो बीज गिरने वाला खेती क्या है, हमारा हाँ हमारा दिल है, हमारा हृदय है, हृदय रूपी खेती ना, हमारे हृदय की तैयारी अगर ठीक से नहीं हुआ तो वहां पर आने वाला वजन प्रभु चाहने वाला सौगुणा फल नहीं ला पाएगा। तो चारों हमने देखा अपने मुंह, क्योंकि प्रभु जब तक हमारा ओटों को नहीं कोरेगा तब तक हम निरंतर प्रभु का स्तुति नहीं कर पाएगा है ना, प्रभु का स्तुति करने के लिए प्रभु हमारे ओटों को खोलना चाहिए प्रियो, ऐसा अवस्था कितना अच्छी बात है, धन्य अवस्था है। अभी पांचवा बात क्या है, बुद्धि है, मैं आपको सातों पॉइंट पहले बोला था बुद्धि, हमारा बुद्धि खोलना, क्योंकि जब तक हमारे बुद्धि नहीं खोलेगा है ना, जब प्रेरितों का 14:27 प्रेरित उसका 14:24 मैं कल का बातों में चला गया। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोली, हाँ उनका समझ बुद्धि या समझ बराबर है ना, मतलब बुद्धि मन खोला नहीं, मतलब या मतलब बुद्धि समझ खोला, मतलब प्रभु ने उनका समझ खोला है हमारे जीवन में, मतलब हमारा समझ खोलना, हमारा समझ खोला जाए तभी हम प्रभु के वचनों को समझ पाएगा है, बराबर समझिए समझ खोलना ठीक है ना, मतलब समझ को अपन बुद्धि भी बोल सकता है, बुद्धि समझ ये सब तकरीबन बराबर पद है, तो हमें ये बात को जानना है कि मतलब हमारा समझ या हमारा बुद्धि खोलना, जब तक प्रभु हमारा बुद्धि नहीं खोलेगा हमारा समझ नहीं खोलेगा तो
तो हम समझेंगे नहीं। अभी कई बार जब आपको मालूम है, जब वो ख्वाजा जब जिम्मे में बैठ के वजन बढ़ रहा था, अब माना प्रभु की आत्मा की अगुवाई से फिलिपोस जाकर के उसको एक बात पूछा है ना, क्या पूछा था जब फिलिपोस ने ख्वाजे को, जब प्रेरितों का 8 अध्याय उसका 31 वचन में पढ़ता है, प्रेरितों का 8 अध्याय का 31 वचन 29 से पढ़ लीजिए। नहीं तो समझना तू समझता है क्या? अभी मतलब वो पढ़ रहा है पर जो वो नहीं समझता था। अभी उसने क्या बोला? देखा, मुझे दूसरा अगर जब तक एक व्यक्ति मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझू। देखा, अब ये बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आज हम प्रभु को भजन पढ़ने के समय में हम समझता है क्या है? बहुत लोग आज भी, मैं आपको बोलता हूँ, कई लोग भजन पढ़ता है तो उनको कुछ समझता नहीं। क्या पढ़ा, क्या पढ़ा उनको मालूम नहीं। वो वही भजन को पढ़कर सुनाएगा, अरे वो भजन में क्या लिखा वो समझता है क्या? देखा, वो वजन क्या कह रहा है करके समझता है क्या? है समझता है क्या? समझता है क्या? समझता है क्या? समझना है वजन को, समझना है हमारे जीवन में। मतलब अगर एक व्यक्ति वजन पढ़ता है और तू नहीं समझता है तो क्या फायदा? फिर पढ़ाई करके क्या फायदा? फिर है वजन समझता है कि नहीं? आज कितने लोग ऐसा है, वो पढ़ता है पर तो समझता है नहीं, है ना? वही समझना। अभी जैसा अभी मतलब प्रभु दृष्टांत बताया, जैसा मतलब वो जो बीज बोया था वहां पर किसी ने जंगली बीज बोया, वो बात जब यीशु मसीह बताया चार लोग भी नहीं समझा है। बाद में जब घर में आया, जब वही मत्ती उसका 13 अध्याय का 36 वचन पढ़ना, मत्ती उसका 13 अध्याय का 36, समझा दे हमको। वो समझे नहीं स्वामी, हमको समझा नहीं, हमको समझा दे। देखा, घर में आने के बाद में हमने पिछले दिन में भी देखा था, बहुत बातें जब प्रभु बताता था चले लोग भी नहीं समझता था। क्यों? क्योंकि उस समय तक आत्मा नहीं पाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि आत्मा हमें जो मिला हुआ पवित्र आत्मा क्या है? समझ की आत्मा है। कौन सा आत्मा? समझ की आत्मा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी भी हम वो समझ की आत्मा का अधीन है। तभी अभी मैं इसलिए आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर जब अपन प्रभु का उपस्थिति में बैठा है, अपन ये वजन जब सुन रहा है ना, प्रार्थना करके आत्मा का अधीन हो जाना, नहीं तो ये वजन नहीं समझेगा है। वजन को हमें समझना चाहिए प्रियो। इस वजन का सच्चा प्रकाश उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। वजन सुनने के समय में, मैं यहां से बोलने के समय में भी, वो बोलने के पीछे का गहरा अर्थ भी प्रभु के आत्मा में रहेगा तो आपको समझाएगा, बहुत गहरा प्रकाश मिलेगा। मैं कई बार कई लोग संदेश देने के टाइम पर उन लोग बोलने वाले बातों में, वो लोग जो बोलना चाहता है उनके हृदय के अंदर का बातों को भी लेकर के प्रभु समझाता है, क्योंकि कई बार कई शब्द नहीं मिलता थोड़ा समझाने के लिए, लेकिन वो भी पवित्र आत्मा वो समझाता है। प्रभु में, प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा में जब सुनेगा तो प्रियो हमको उसका वो समझ, मतलब वो प्रकाश मिलेगा। इसलिए जब 119 वचन संहिता में ऐसा एक तो वचन है मैं आपको बताना चाहूंगा, 130 पढ़ना उसका, 119 का 130, तेरी बातें के खुलने से प्रकाश होता है। देखा, तेरी बातों को या तेरी वचन खुलने से क्या होता? प्रकाश होता। देखा, उसे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं, बोलेगा तो उनका समझ में उनका उन्नति होता है। कितनी बड़ी बात है, प्रभु की वचन का वो प्रकाश को हमें आत्मा में रहकर के उस प्रकाश को मतलब प्राप्त करेगा तो हमारे समझ भी बढ़ते जाएगा। पहले से ज्यादा हम समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कई बार, मुझे लोगों ने बोला, हम उधर आने के बाद में वचन समझना शुरू हो गया हमने, मतलब अपना
एक मेरे आंटी बहुत बार बोलता था, हम जब एनए में जाता हमको कुछ भी समझता नहीं था, परंतु वो क्यों है इधर आने के क्यों भी नहीं, पहले बात उसका उधार हुआ, नया जन्म हुआ, प्रभु का आत्मा मिला, इसलिए समझ पाता है, नहीं तो नहीं समझ। और जब हम समझाएगा तो भी समझने के लिए हमें उसको आत्मा चाहिए ना, आत्मा नहीं है तो वो लोग नहीं समझ सकता है, नहीं तो फिर उनको मतलब ऐसा व्याख्या करके समझाएगा तो थोड़ा कुछ उनका बुद्धि में आने लायक उतना सीमा में समझ पाएगा। बहुत बड़ी बात, उसी का ही 125 पढ़ना, 119 का, मैं तेरा दास हूँ तू मुझे समझ दे, देखा मैं तेरा दास हूँ तू मुझको समझ दे, देखा प्रियो है, हमें ये प्रार्थना करना चाहिए। सबको मिल गया ना 119 का ही 125 है, 119 का ही मैं बोला ना, उसका ही 125 बोला, इसका मतलब अभी हम पढ़ रहा था 119 अध्याय, आप लोग समझ के साथ बैठो ना, आप लोग ध्यान इधर उधर मत करो, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ आप लोग है ना मेरी तरफ ही देखो और कहीं भी मत देखो, है ना, ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनेगा तो समझेगा, और आप मतलब थोड़ा भी दुर्लक्ष करेगा तो आपको समझेगा, इसलिए प्रभु का आपको बताए ना, आप बिल्कुल आत्मा का कंट्रोल में होकर के ना ये बातों को सुनना है, हर एक बातों में उसी अध्याय का 147 उसका भी पाठ पढ़ना, मेरी आशा तेरे वचनों पर है, हाँ बिल्कुल मेरी आशा तेरे वचनों पर है, क्योंकि देखो वचन का प्रकाश मिलने के द्वारा अभी हमारा पूरा आशा काम रहे वचन में, वचन में बहुत श्रेष्ठ बात है। आज भी लोगों को प्रभु का वचन में मतलब विश्वास नहीं, उसमें उनको भरोसा नहीं है ना, वचन को प्राप्त करने के लिए उनका हमारा लक्ष्य नहीं, कितना दुख भरा बात है, हमें अपने जीवन को पारखना है। आज मैं प्रभु का वचन में विश्वास करता है क्या प्रियो, प्रभु का हरेक वचन सत्य है, ताया हुआ है, ये कभी नहीं बदलेगा, जैसा लिखा वैसा ही होगा, है ना। ये दुनिया मतलब एजुकेशन लेवल में कितना भी बढ़ने दो, दुनिया आज बोलेगा ये तो कंप्यूटर युग बोलेगा, कोई कंप्यूटर युग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर गया, है ना, मतलब अपने जीवन में कहीं भी जाएगा तो आज लोग बहुत कुछ सोचता है, लेकिन ये सारे बातों से बढ़कर प्रियो प्रभु से समझ पाना, थोड़ा भी समझे तो काम मिल जाएगा, थोड़ा भी हमारे समझ खोल गया तो, है ना, मतलब प्रभु का वचन में ऐसा बहुत बात लिखा है, आपको बताओ मतलब 116 का 6 वचन पढ़ना, 116 का 6 देखिए, हाँ देखिए है, तो आप मराठी में पढ़ेंगे, परमेश्वर घोड़े रक्षण करतो, रक्षण करतो, देखा मतलब घोड़े का अर्थ थोड़ा भी समझे तो उनसे रक्षण करता है, प्रभु थोड़ा भी समझ पाया है तो प्रभु उसका रक्षण करता है, देखिए समझ पाना, चाहे थोड़ा भी क्यों ना हो, थोड़ा भी पाएगा तो प्रभु को बहुत आनंद है। मैं आपको बोलता हूं जब प्रभु का दास प्रेरित पौलुस है ना, हमेशा लोगों को प्रार्थना विधि करता था, किस लिए कि जब वो प्रचार करता है, प्रचार करने के समय में प्रभु उसके लिए भजन का द्वार खोल कर देना चाहिए ताकि वो गहरा बातों को सुना पाए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी मैं आपको बताता हूं, मतलब मुझे में कोई ऐसा कोई तजुर्बा है क्या, नहीं, आपका प्रार्थना और आपका इच्छा मांग के अनुसार मेरे द्वारा प्रभु बात करेगा, बात करने वाला प्रभु है, प्रभु की मतलब प्रभु मुझ में रह करके आत्मा के द्वारा ये बातें हो रहा है, तो अब ये बात को जानना। जब आपको याद है कोलोसियों के पत्री में लिखा ना 4:3-4, कोलोसियों 4:3-4, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। देखा मतलब एक्चुअली है ना वचन सुनाने का द्वार नहीं, एक्चुअली वचन का द्वार खोल दे, ऐसे आना चाहिए, ये कोई कोई परिभाषा में थोड़ा गलती आया, आप लोग मराठी में पढ़ेंगे, देवाने आमच्या साठी वचना करता द्वार उघडावे, हाँ देखा वचना करता या वचन का द्वार ऐसा होना चाहिए, देखा मतलब अभी परिभाषा जैसे किया ऐसे हम पढ़ करके समझेगा, इसलिए मैं उसको करेक्ट करके आपको बताता हूँ, इसलिए तुरंत कोई नाराज नहीं होना, आपका गलती नहीं, आपका पढ़ने की गलती नहीं, परिभाषा में आया हुआ थोड़ा छोटा मिस्टेक है, ओके। तो वचन का द्वार खोल कर देने के लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, हम लोग कोई कदाकार नहीं सुनने के लिए आया क्या, नहीं
प्रभु का उन भेद की बात होगी, है ना। प्रभु का वजन का वो गहरी बात है ना, प्रभु ने जो वजन में बताए हुआ बातों का उसका गहराइयों को समझने के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा है। वो प्रभु हमको एकत्रित होने के समय इसलिए स्वर्गदूत हमको भी धरने दी, वो भी सुनना चाहता है क्योंकि उनको भी ये बात समझने के लिए मतलब मौका नहीं, मंडली बताएगा तभी उनको समझेगा, कितना बड़ी बात है। वही बात एफेसुस मंडली को लिखने के टाइम पर भी पौलुस कहता है, हमारा एफेसुओं का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 19-20 वचन पढ़ना। और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। देखा कितना बड़ी बात है, सुसमाचार का भेद मैं बता सकूं। मुझे सबका प्रार्थना की जरूरत है भैया, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग मेरे लिए दुगुना प्रार्थना करना है क्योंकि प्रभु मेरे द्वारा या इवन इधर जो भी और खड़ा होता है उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि इधर खड़ा होने वाला उनके कोई ज्ञान की बात हमें नहीं सुनना, प्रभु की बात सुनना है। जब पत्रोस कुरनेलियुस का भवन में आया तो पत्रोस तू जो भी जानता है बोला, वो हम सुनने के लिए आया ऐसे बोला नहीं, नहीं नहीं प्रभु से सुनने के लिए आया, प्रभु की उपस्थिति में आया। सबको वचन मालूम है ना, मेरा प्रेम लोग काम दस अध्याय का 33। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम यह सब यहाँ परमेश्वर के सामने है ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। देखा परमेश्वर ने तुझसे कहा, कौन सा वचन है? 33 है ना, ओके बराबर है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब जो भी प्रभु ने जो बताया वो बात को सुनने के लिए आया ना, कोई बाकी बात नहीं है, बिल्कुल प्रभु ने बताया वो बातों को सुनने के लिए। कितना अच्छा बात है भाई। तो अभी ये अभी देखो, अभी जो आकर के मतलब सुनने के लिए बैठा हुआ लोगों का अवस्था कैसे होना चाहिए है? कोई गवर्नमेंट से आकर बैठा है तो क्या हम नहीं समझता क्या? ऐसा कुछ गरीब के साथ बैठा है तो उनको समझेगा नहीं। प्रभु ने अपने चेलों को भी ये बात बताने के टाइम पर क्या बोला था? जब मत्ती के सुसमाचार 11:25 है, मत्ती 11:25 उसका 25 वचन। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। किस पर प्रकट किया? बालकों पर प्रकट किया। देखा बालकों पर प्रकट किया, एक बालक के समान हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु की आलोचना प्राप्त करने के लिए हमें उत्साह चाहिए। बालक के समान बालकों पर प्रकट करेगा, कितना बड़ी बात है। वो जो भी मतलब बात आता है उसको समझ लेता है ना, वो बालक का खूबी है। देखो जो भी हमें बताता है वो समझने के लिए हमें एक सच्चा तैयारी मन चाहिए। प्रियो हमारे जीवन के लिए बहुत खास बात है, हमें हर प्रकार हर मतलब बातों में वचन के आधार में हमारा उन्नति होना, वचन के द्वारा हर एक बात को परखना है ना। जब रोमियों का पत्री उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन का बी पाठ में रोमियों का पत्री उसका 16:19 हमें भलाई में बुराई में चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। देखा बुराई के लिए बोले परंतु भलाई के लिए बुद्धिमान। प्रियो प्रभु हमें बुद्धिमान का अनुभव में मतलब पाने के लिए चाहता है ना, बुद्धिमान के अनुभव में। हम लोग यहाँ पर जो भी बैठा है प्रियो, ये जो भी बात है ये शारीरिक ज्ञान का बात नहीं, आत्मिक की बात है, आत्मा का। इसलिए मैं आपको बोला जब पौलुस दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 12 वचन में कुरिन्थ मंडली को, आपको मालूम है कुरिन्थ मंडली एकदम शारीरिक लोग था, इसलिए उनको समझाते वक्त ये बताता है दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 12 वचन में, क्योंकि हम अपने विवेक की गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे भी हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। देखा हम जो बताते हैं आपको शारीरिक ज्ञान से नहीं, उस समय में गमालियेल के पास आर में बैठ करके बहुत बड़ा शिक्षण पाया हुई थी, और वो एक शारीरिक ज्ञान की बात है, और यहाँ पर जो बात बताया जाता है वो आत्मिक ज्ञान है, ये स्वर्ग की बातें हैं। कितना बड़ी बात है,
इसका मतलब आज स्वर्ग का दृष्टि में यहाँ पर जितने भी लोग आया बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान मैंने कहा? क्योंकि वचन में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि आप प्रभु का खोज में। जब भजन संहिता में 14 अध्याय का दूसरा वचन में और 53 अध्याय का दूसरा वचन में, दोनों दो वचन, दोनों एक ही बात है। क्या बोलता? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की। हाँ, दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। देखा, परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु का खोज में लेकर रहता। प्रियो, हम कितना भी मसीह को प्राप्त करें तो भी हम जितना प्राप्त करना चाहिए उसका एक छोटा अंश भी प्राप्त नहीं किया, नहीं किया। यीशु मसीह को प्राप्त किया हुआ लोग कभी भी एक समस्या बनेगा नहीं। एक बड़ी बात है मैं आपको बोलता हूँ, यीशु मसीह को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हमेशा अपने आप को छोटा छोटा करते जाए। जो भी प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया, अगर अपनी दिमाग में बुद्धि में ये बातों को सिखाए तो घमंडी बनेगा, घमंडी बनेगा। मुझे भी और लोगों से भी बढ़कर क्या आता है, मैं पुराना विश्वासी है, ऐसे कई बातों में घमंड करेगा। और एक अच्छा और सच्चा विश्वासी का चिन्ह मैं आपको बताऊं, हमेशा कल से बढ़कर के अगर वो नम्र बन रहा है, बराबर वजन उसका जिन में काम कर रहा है, क्योंकि वो है हमारे यीशु मसीह ने हमें दिया वो मार्ग, जीवन का मार्ग, स्वर्ग में पहुंचने वाला मार्ग, वो नम्रता का मार्ग है। अब देखो ना, महिमा में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह है ना, वो महिमा छोड़ करके एक मनुष्य बना। अब देखो कितना बड़ा नम्रता है, स्वयं परमेश्वर होते हुए वो एक मनुष्य बना। फिलिप्पियों दूसरा अध्याय का 6 वचन नहीं समझा, वो मनुष्य बना। और मनुष्य में सबसे छोटा कौन है? मनुष्य में सबसे छोटा कौन है? गुलाम। मनुष्य में सबसे छोटा कौन है? गुलाम। हाइट में नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना प्रियो? ये दुनिया में अभी तो मतलब अभी भी कई देश में कई जगह पर गुलामी में लोगों को भेजता है, लेकिन ये गुलामी सब खत्म हो गया बोलता है, लेकिन प्रियो मनुष्य में सबसे छोटा वो गुलाम है। तो हमारे यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर मनुष्य बना, कोई उसका परे नम्रता कह रहा, और वो मनुष्य बनकर के भी और वो एक गुलाम बना। देखो है तो कितना और नम्र बना, क्योंकि एक यहूदी के घर में कोई जाएगा तो उनका पाव धोने का काम कौन करता? गुलाम करता है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों का भी पाव धोया। ऐसे कोई गुरु आज तक किया नहीं किया। तो यीशु मसीह गुलाम बने से बढ़कर वो गुलाम का बनने के बाद में और भी नम्र बना। वो क्या है? पहले गुलामी को मिलने वाला सजा भी यीशु मसीह ने उड़ाया। किसको? गुलामी, क्योंकि कोई यहूदी को कभी सूली पर नहीं चढ़ाता और साधारण लोगों को भी सूली पर नहीं चढ़ाता, सिर्फ गुलाम लोग जो मानव गवर्नमेंट के खिलाफ में ऐसा कुछ बड़ा गुनहगार बैठता है उन लोगों को सूली की सजा दिया जाता था। इसका मतलब यीशु मसीह काम गया उस अवस्था में भी गया। देखा है, नम्र नम्र नम्र, ऐसा नम्रता एक सिर उतरते गए। आप देखो भैया, देखो इसी का मतलब क्या है कि जितना अधिक हमारे जीवन की यात्रा में हम मसीह में उन्नति पा रहे हैं तो हमारे भी जीवन में क्या आना चाहिए? नम्रता आना चाहिए। हमको यीशु मसीह में हम बैठ रहा है तो हमारे में नम्रता आना चाहिए, है ना? ऐसा समय में प्रभु का आदि महिमा होगा। ओके, ज्यादा रुक नहीं सकता। तो अभी यहां पर विषय क्या है कि हमको इस प्रकार है ना अपने जीवन में अगर थोड़ा भी बुद्धि रहेगा तो है ना, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बुद्धिमानों के लिए एक तो पक्का वजन फायदा है। जब 34 वजन संहिता उसका 10 वजन पढ़ना, जवान सिंहों को तो भट्टी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी न होगी। किसको? यहोवा का खोजी कौन है? बुद्धिमान। इसका मतलब बुद्धिमान लोगों को कुछ भली बातों का घटी नहीं होगा। इस बात का उसका नाम मुझे भी पढ़ रहा, यहोवा के पवित्र लोगो उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। देखा,
तो मैं प्रभु का खोज में रहने वाला, प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जाता है, उनके लिए बोलता है कुछ कठिन नहीं हो, है ना। उनको आत्मीय जीवन में कंगाल का अनुभव नहीं आएगा। इतना सच बात है, मैं ये सोचता हूँ। मतलब दाविद राजा होने पर भी दाविद ने गाया वो गीत सबको भयाद है, कौन सा 23 वचन से ना, प्रभु का दास क्या बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मेरे को संकट संकट है, ऐसा नहीं है, ऐसा है क्या नहीं है ना, यहोवा मेरा चरवाहा कोई घटी देगा क्या बोला, और तो हम बोलते हैं घटी 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 इसलिए कटी सारे बातों पे गया। देखो कितने कहते हुए जरा बातें की, प्रभु मेरे चरवा होने पर भी मैं घटी घटी बोल के ऐसा करेगा करेगा तो प्रियो प्रभु हमें कुछ भी अच्छी बात लिखनी छोड़ेगा, वो आनंददार की बात है, ये दुनिया का नाशवान बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में सच में ये सब हमें हमारा विश्वास के द्वारा जानना है, कितना बड़ी बात है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मतलब अपनी बुद्धि इतना भी खुल गया तो प्रभु ये सारे आशयों से हमें भर देता है। छठवीं बात, क्योंकि थोड़ा समय बात प्यारा है, मतलब प्रभु ने हमारा विश्वास का द्वार खोला, क्या खोला, विश्वास का द्वार। छठवा बात, विश्वास का द्वार, वही ये था हमारा प्रेरित होगा उसका 14:27। देखा अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने अगर हमारे लिए विश्वास का द्वार नहीं खोला होता तो हमारे जीवन में आज हम जो अनुभव कर रहे हैं और जो भविष्य में हमें मिलने वाला है वो बात कुछ भी हमें हासिल नहीं होता, परंतु प्रभु ने हमारे लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस विश्वास का द्वार खोलने के द्वारा हमें मिलने वाला विश्वास का 10 फल बोला जाता है, बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों को स्पीड में जाना पड़ेगा, लेकिन वो कंप्लीट करेगा, ऐसा आशा है पूरा करेगा। देखिए अरे बात, जैसे अभी आत्मा का फल हमको मालूम है, ज्योति का फल मालूम, परंतु विश्वास का फल क्या है मालूम, है ना। अच्छा है ना, जैसा ये 10 बातें अगर आप थोड़ा ध्यान से उसको समझ लेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब उस पर एक सब हेडिंग दे सकता है, विश्वास का फल, है ना। सबसे पहली बात है विश्वास का फल है क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में प्रसन्न रहता, क्या है, प्रभु हमारे जीवन में प्रसन्न रहता, विश्वास का फल है। विश्वास में रहना, विश्वास से गिरना नहीं, विश्वास में बना रहना, क्योंकि प्रभु के वचन में इब्रानियों 11 छे विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना रोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करकर कहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो बहुत बड़ी बात है ना, अभी हमारे जीवन में ये विश्वास का बल है कि हमारा हर कदम में हम प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। देखा ये बात को जानना प्रियो, आज हम यहाँ तक आया विश्वास आया कि नहीं है। देखो एक बात, यहाँ पर एक चेतावनी भी है, वो दूसरा पॉइंट नहीं, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखो रोमियो 14:23 में क्या लिखा, जो विश्वास है नहीं होता वो पाप है। देखा अपने को लेवल विश्वास ही नहीं बनना, समझ में आ रहा था। आज भी यहाँ पर आकर के जाने वाले लोग विश्वास से आया, किस विश्वास से आया वो प्राप्त करके जाना, क्या समझा, समझ रहे ना। आज भी प्रभु मुझे कुछ नया बात सिखाएगा और मैं और भी प्रभु का रूप बनने में आज का वचन सुनना मेरे लिए मन कारण बनेगा। ऐसा ऐसा विश्वास के साथ आया है तो व्यक्ति से प्रभु बात करेगा, उसका जीवन बदलेगा, रोज बदलेगा, वो मसीह का रूप बनेगा, कोई डाउट नहीं। अभी कहीं और हमें प्रभु के लिए भेंट चढ़ाने के लिए गया है, भेंट भी चढ़ाया परंतु प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, विश्वास नहीं आया। देखो ना,
है, अपन एक काम के लिए आया, इसलिए विश्वास से आया कि नहीं देखना, जब इब्रानियों 11 का 5 में है ना, देखा विश्वास कराया, खाइन को विश्वास नहीं था, इसलिए बड़ा प्रसन्न हुआ। तो बहुत बड़ी बात है। तो पहले बात विश्वास का फल क्या है, अपन हरेक कामों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। 4 में इब्रानियों 11 के 4, वेरी गुड। तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग जानना पड़े है हमारे जीवन में, हमारे एक लोग जानना हमारा विश्वास का फला फल है। हम रोज और कदम में और बात में प्रभु को प्रसन्न करता है, कितना अच्छा फल है। ओके, दूसरा फल क्या है, जब प्रेरितों काम उसका 10 अध्याय उसका 43 वचन, देखा ये है दूसरा फल, क्या मिलेगा, पाप क्षमा मिलता है। देखो प्रियो, आज भी जिन्होंने पाप क्षमा नहीं पाया, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, आपको पाप क्षमा मिलेगा। इधर बैठा हुआ हम सब लोग पाप क्षमा कैसे पाया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और हमारा कोई और कोई मेहनत नहीं, हमारा कोई परिश्रम नहीं, प्रियो सिर्फ विश्वास के द्वारा। आप देखा सिर्फ विश्वास के द्वारा, उसमें और कुछ भी मतलब उसके साथ आड़ नहीं कर सकता। देखा हमें पाप क्षमा मिला, ये दूसरा फल है। तीसरा फल क्या है, रोमियो 5 अध्याय का पहला वचन, अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। देखिए अभी हमारा तीसरा फल क्या है, हाँ हमें धार्मिकता प्राप्त होता है। क्या बड़ा बड़ा अनोखा फल है, क्या गहरा फल है, कितना गहरी बात है ना। आप सोचो भैया, आप सोचो, बहुत गहरी बात है ना है? हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ विश्वास किया, प्रभु हमें धर्मी गिना। एक व्यक्ति धर्मी स्वर्ग की कोर्ट अदालत हमें धर्मी घोषणा किया बोलेगा तो इसका सही अर्थ जानने वाला कितना उड़ी मार कर आनंदित हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग बोलता है ये निर्दोष, इसमें कोई पाप नहीं। देखा, और स्वर्ग ये भी बोलता है अभी ये पाप कर ही नहीं सकता। देखो क्या अनुभव में प्रभु ने हमको लाया, प्रियो ये विश्वास कितना बड़ा कार्य किया, कैसा अनोखा फल हमको मिला है, हम लोग उसका गौरव समझता है क्या। बहुत बार बहुत लोगों को अज्ञान का कारण उसको इस स्थिति में आनंदित होना चाहिए, आनंद नहीं रह पाता। प्रियो हमारा आनंद ये दुनिया का कोई भी बात हमको नहीं लूटना प्रियो, और हमें भूखा रहना पड़ा तो ये हमारा आनंद नहीं लूटना है। कोई दुख हो गया, बीमारी आ गया, हमारा आनंद नहीं जाना प्रियो बीमारी में। आज अनुचित मोटर था, ये गिर गया तो आनंद बढ़ गया, बोला विश्वास में और भी मजबूत हो गया। बोला देखो कोई बात का संदेश कल सुनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलता हूँ संकट में भक्त कभी निराश नहीं होता। 119 का 71 आपको मालूम है, क्या बोला भला हुआ, कौन बोलेगा बोला भला हुआ, मैं कष्ट में गए कौन बोलेगा, जिसको ये बनाए करके समझाया है ना। एक वक्त कभी भी कोई भी प्रकार का कष्ट में नष्ट में मतलब ऐसा कोई भी बात हो गया तो वो कभी भी निराश नहीं होता भी। अच्छा हुआ और भी हम प्रभु को गहराई से जान पाया है ना। अभी देखो छोटा रिदी में भी गिरेगा तो हड्डी टूट सकता है, तो प्रभु ने हड्डी तो नहीं टूटने दिए ना, ठीक है थोड़ा चोट लेगा ना बोलो, क्योंकि उसके पीछे भी प्रभु उद्देश्य है। प्रभु के साथ बैठेगा तो प्रभु उसका भी भेद समझाएगा, क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करें, हम धर्मी लोग हैं, धर्मी लोगों के ऊपर प्रभु का आंख लगी रहती है, प्रभु जाने बिना कुछ भी नहीं होता। कितना धन्यवाद है ना, विश्वास के द्वारा हमें मिला हुआ तीसरा फल है धार्मिक, हमें हमें प्रभु धर्मी करके घोषणा किया। चारवा बात क्या मालूम है,
गलातियों तीसरा अध्याय का 26वां वचन है ना, उत्तरत्व मिला। क्या मिला? उत्तरत्व। क्या मिला? उत्तरत्व। क्या बोलता है? संतान है, संतान या पुत्र है, पुत्र बहुत बड़ी बात है। हमें उन पुत्रत्व को मिला, मेरा हिंदी भाषा चलेगा ना, पुत्रत्व मिला चलेगा ना। तो अभी देखो हमें कैसे मिले पुत्रत्व? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। देखा, विश्वास के द्वारा हमें पुत्रत्व मिला। मैं परमेश्वर का बेटा कैसे बना? विश्वास के द्वारा। देखा, जो भी परमेश्वर मसीह में विश्वास किया उनको एक पुत्रत्व का पदवी मिला। विश्वास करना चाहिए, है ना। वो विश्वास उसका जीवन में इफेक्ट होना चाहिए, वो विश्वास के द्वारा उसका जीवन बदलना चाहिए। अभी कई लोग बोलते हैं, अभी 33 करोड़ को मानने वाला भी बोलते हैं हमको यीशु मसीह पर विश्वास है। वो विश्वास नहीं है। हमारे भी घर में यीशु मसीह का फोटो है, है? हम उसके सामने भी मोमबत्ती जलाता है, है? ऐसा बोलने से वो विश्वास की बात है क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। विश्वास कैसे आएगा? प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के द्वारा, मतलब वचन सुनने के द्वारा यीशु मसीह हमारे अंदर आया, जीवन बदल जाता है। ये बात है, इसका मतलब जो भी व्यक्ति प्रभु में विश्वास किया उसका जीवन बदल गया। तो कौन बन गया? पुत्र बन गया, परमेश्वर का पुत्र बन गया। कितना बड़ा पदवी है विश्वास के द्वारा। हम सब परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का पुत्र है, वो पुत्रत्व मिला। ये बात है। पांचवी बात क्या है? सॉरी, चारवा बात नहीं, पांचवी बात है, पांचवी बात। ओके, पांचवी बात क्या है कि हमें उद्धार मिला। कैसे मिला? उद्धार मिला। जब एफेसियों दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। देखा भैया, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास, ये सब प्रभु का अनुग्रह है। विश्वास भी अनुग्रह है, प्रभु ने हमें विश्वास दिया है, उद्धार भी दिया। लेकिन उद्धार पाने के कारण विश्वास है, इतनी बड़ी बात है। विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिला। देखा, विश्वास करने से हमें उद्धार मिला। आज हम कोई भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं, कहीं बोलता है ना कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन तुम्हारा उद्धार हुआ है क्या? क्या वो तो मालूम नहीं है, ऐसा नहीं। अभी हम छत्री में बोल सकता है, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास किया और मैंने उद्धार पाया। पाएगा नहीं? पाया। हाँ, फिर पाएगा वो से बाधक है, वो भी बात अपन समझता है, लेकिन दुनिया का सब लोग नहीं समझता है ना। हम उधार पाया और उधार पाते रहता है और उधार पाएगा भी, वो बात अलग बात है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में आज विश्वास ने हमारे जीवन में लाया हुआ पांचवा फल है उद्धार। कितना अनोखा फल है ना, ये सब फल। ओके, छठवा फल क्या है? मतलब एफेसियों उसका 3वां अध्याय का 17वां वचन, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखा, बसे हमारे हृदय में कब बसेगा? कैसे बसेगा? विश्वास के द्वारा। देखा, इसका भी आधार विश्वास है। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे। क्या शब्द है प्रियो, है? आज अगर हम विश्वास में नहीं है तो यीशु मसीह वो व्यक्ति में नहीं है। विश्वास करने वालों में यीशु मसीह रहता। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, ये बात का जानना तक कितना अनोखी बात है ना। हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी बात होता है तो उस समय में प्रभु भी हमारे साथ में रहता है। हमारा हर एक दुख में, संकट में, हर खुशी में प्रेम प्रभु हमारे साथ रहता है। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे में बसे। आज हमें कितने लोग यकीन से या हिम्मत से बोल सकता है कि प्रभु यीशु मसीह में मैं विश्वास किया है तो यीशु मसीह आज मेरे जीवन में है करके पक्का निर्णय कितने लोगों को है ना। बहुत बड़ी बात है। ओके, तो सातवीं बात क्या है? मानव प्रेरितों का उसका 26वां अध्याय उसके 18वां वचन, कि तू उनके आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर चोर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों
विश्वास करने से क्या होता, पवित्र किया जाता। देखा भैयो, है ये बहुत गहरी बात है, विश्वास के द्वारा पवित्र किया जाता है। इसका मतलब क्या है ना, अपने को ये जीवन में जानना भी हो, अगर हम एक पवित्र जीवन बिताना है तो हमें विश्वास चाहिए। विश्वास बिना एक पवित्र जीवन होता ही नहीं है ना, विश्वास के द्वारा पवित्र किया जाता है। और आपको सबको मालूम है प्रभु की इच्छा हम रोज पवित्र बनना है। इसका मतलब हमें विश्वास से उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में जीने देना, यीशु मसीह की इच्छा जान करके हर एक बातों में स्तुति धन्यवाद करते रहना, इतना बड़ी बात है, है? तो ये भी एक इतना अनोखा फल है। ओके, आठवां फल क्या है, एक सच्चा विजय जीवन। विजय जीवन के आधार विश्वास है ना। पहले योग ना उसका पांच अध्याय का चार और पांच हो जाए, पहले योग ना पांच अध्याय का चार पांच हो जाए। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और आगे, संसार पर जय पाने वाला कौन है, कौन है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। देखा, इसको मतलब हमें संसार के ऊपर विजय देने वाला विषय क्या है, विश्वास। विश्वास एक विजय जीवन बिताने का रहस्य क्या, विश्वास। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, इसलिए अपने आप को परखना। प्रभु का वचन में मतलब विषय नहीं, मतलब दूसरा कुरिन्थी तेरह का पांच में पौलुस क्या बोलता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में है तो यीशु मसीह तुम्हारे में है और तुम विजयी है, तुम विजयी है। प्रेज लॉर्ड। अरे तो आप विश्वास में नहीं है तो निकम्मा, और समय में परखना पड़ेगा। हमारा कदम कभी पीछे नहीं हटाना, हमेशा हमें आगे बढ़ना है। मैं एक सच्चा एक विश्वासी यात्रा में मैं हूं, ये बात हमें जानना है ना। जो भी सच में विश्वास पे चलता है वो विजयी जीवन बिताता है, वो विजय करेगा से उनका विश्वास है ना। क्योंकि मैं अकेले नहीं, जो संसार से बड़ा यीशु मसीह भी मेरे साथ है। मैं आपको बताता हूँ हर जगह पर वो विजय प्रदान करेगा। ओके, तो फिर आठवां बात क्या है कि नवा बात क्या है कि मतलब हम प्रभु की अनेक वायदाओं को प्राप्त करता है। देखो, प्रभु का वायदाओं को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, विश्वास है ना। एग्जाम्पल में बोलेगा तो योहन्ना का सुसमाचार मजा, उसका सात अध्याय उसका 38-39 वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। देखा, इसका मतलब पवित्र आत्मा को प्रभु ने वायदा किया, वायदा किया, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग क्या, विश्वास। एक हफ्ता उपवास करेगा तो फास्टिंग में मिलेगा है, तपस करेगा तो, तीर्थाटन करेगा तो नहीं मिलेगा। आत्मा प्राप्त करने के लिए एकमात्र वायदा है विश्वास। वो वजन कितना क्लियर है ना, वापस एक बार पढ़ेंगे उसको मराठी में। नहीं नहीं आना, 38 से पढ़ना, 38 क्या नहीं माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्यातून शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील। ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला त्यांना जो आत्मा मिळणार होता त्याच्याविषयी त्यांनी हे म्हटले। देखो, मतलब विश्वास करने वालों को मिलने वाला आत्मा। जब मतलब प्रेषित पौलुस ने एफेसुस का विश्वासी लोग समझ करके चलने वाले लोगों को मिला तो उनको क्या पूछा, मतलब जब प्रेरित होकर का 19 अध्याय का शायद दूसरा वचन, उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। देखा है, तुमने विश्वास करते वक्त पवित्र आत्मा पाया। अब ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है,
आज कितने लोग पवित्र आत्मा उदार पाए, वो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाया बोल करके 7 दिन 14 दिन 21 दिन उपवास प्रार्थना करता है, मिलेगा क्या? नहीं। आप रूप चेंज होकर के आप जो भी खोज में रहेगा आपको मिलने वाला आत्मा एक अलग आत्मा रहेगा। और वो शैतान उसको बहुत चतुराई से एक झूठा आत्मीयता का विषय में इस्तेमाल करेगा कभी भी। इसलिए कोई भी बात हमें प्राप्त करना है तो पहले बात हमको ये जानना है उसका रूट क्या है, उसका नियम क्या है, क्योंकि हम लोगों ने क्लियर जाना है प्रभु हमारा नियम का परमेश्वर। नियम तोड़ करके चलो ये व्यक्ति बहुत दिन से उपवास कर रहा है तो इसको आत्मा देता हूं बोलकर प्रभु देगा नहीं ना, फिर प्रभु का नियम बदल गया। पर तो आज बहुत लोग बोलता है हमने 7 दिन उपवास करके बड़ा मुश्किल से पाया। सच बात है नहीं प्रिय, उन्होंने जरूर पाया होगा, कोई दूसरा आत्मा पाया होगा, पवित्र आत्मा नहीं पाया। समझ में आया? क्योंकि बाइबल क्लियर बोलता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना प्रियो, झूठे लोगों का झूठे उपदेश में गिरना बहुत आसानी है। तो इसलिए आप लोगों को हर एक बात प्रभु को भजन की, और आप लोग आत्मा पाया हो गए, आप लोग जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा तेज जाता हूँ। ये विषय में मैं एक बात बात करता हूँ। आज जो आत्मा आत्मा बोल करके कोई लोग हंसता है, कोई लोग झुंब करता है, कोई उल्टी करता है ना, क्या क्या डांस करता है प्रियो, भूख मारने पर गिर जाता, कोई भी काम आत्मा का काम है। आत्मा का काम है एक दूसरा आत्मा, प्रभु की आत्मा का काम नहीं, प्रभु की आत्मा समझ की आत्मा है ना, समझ की आत्मा। नर्सरी लो मतलब बच्चों का क्लास में उधर जाएगा तो दूर से आवाज आएगा, पर जो जो IAS पढ़ रहा है उनका उधर जाएगा तो क्या साइलेंट है, कोई चिल्लाता है क्या उधर? नहीं चिल्लाता, कोई आवाज ही नहीं आएगा है ना। प्रभु का वचन में क्लियर साफ साफ बताया। ये वचन मैंने आपको बार बार इसलिए जताता हूँ कोई धोखे में ना पड़ने के लिए। गलती विश्वासियों को, गलती विश्वासी लोगों में भी बहुत झूठा उपदेश आया था, इसलिए साफ करने के लिए गलतियों 3:2। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? पाया, देखो डाउट क्लियर कर रहा है। और उनको माना झूठे लोग व्यवस्था में खींच कर ले जा रहा था वापस कूड़ा मनाने के लिए, व्यवस्था में ले जाएगा तो हम मसीह से दूर हो गया। अरे विश्वास के द्वारा पाया ना, वहां पर वो क्लियर है जो सच्चे उसका 14 वचन पढ़ना, 14 वचन। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। देखा, विश्वास के द्वारा प्रभु ने दिया वो वायदा का आत्मा को प्राप्त करे। प्रियो, प्रभु ने जो वायदा किया वो विश्वास के द्वारा प्राप्त करना। आपने कोई कसरत करके पाया तो फिर आप तो गमंडी बनेगा ही और वो व्यक्ति प्रभु का आदि देगा ही नहीं। समझी भैया? लोग बोलेगा ये तो मैंने मेरे परिश्रम से पाया, भाई इसमें प्रभु का कोई हाथ नहीं। देखो उस समय में जो भी पवित्र लोगों का या प्रेरितों का समय में जो भी काम हुआ, जब प्रेरितों का में भी एक सुंदर वचन है 11 अध्याय में उसका 17 वचन। हमें कैसे मिला? विश्वास करने से। उनको कैसे मिला? विश्वास करने से। साफ बात है प्रियों, हमें ये बात को जानना है कि प्रभु का हर एक वचन और वायदा वो प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग हमारा परिश्रम नहीं प्रियों, विश्वास है। विश्वास से प्राप्त करना। समझ में आया ना? कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछो, मैं आप लोगों को ओपन में पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं है। ओके, आखिरी बात बताओ मेरे प्रियो, हर एक प्रार्थना का उत्तर विश्वास से मिलता है, ठीक है ना। आज बहुत लोगों को प्रार्थना बहुत करता है पर तो उत्तर नहीं मिलता। देखो प्रार्थना बहुत करता है इसलिए उनके द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होता ना। प्रभु की महिमा किसके द्वारा होगा? विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा। क्योंकि मानो यहां पर प्रार्थना का बात बोल करके मैं वहां पर आऊंगा, जब मत्ती उसका 21 अध्याय 22 अध्याय और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे
वह सब तुमको मिलेगा। देखा, प्रार्थना करने के टाइम पर कैसे मांगना? विश्वास से मांगना। वही बात थोड़ा और विशाल जीनी में मरकोस 11 के 24 में लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतिदिन कर लो। प्रतिदिन कर लो, मिल गया, मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा, मिल गया। ग्रेस ने मेरे से फीस मांग लिया, उसको डाउट है क्या? उसको मौका मालूम है, डैडी पक्का दे दिया, दे दिया। देखो ग्रेस, मैं तेरे को फीस के लिए प्रार्थना करते है तू या दादू, ऐसे बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, तो तुम प्रार्थना कर लो, ऐसे भी बोलेगा? देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम प्रभु से जो मांगता है, जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु के मार्ग में हम है, प्रभु की आज्ञाओं पर हम चलता है, तो हमें कोई संदेह नहीं है ना, प्रभु देगा कि नहीं। मिल गया, विश्वास करो, हो जाएगा। ऐसे लोगों के द्वारा जब मानो मारता आकर के बोला, प्रभु क्या अभी क्या पत्र उड़कारेगा, पास आएगा ना? प्रभु ने क्या बोला? ए माते, मैं तेरे को कितने बार बोला, कितने बार बोला है तो विश्वास करेगा, प्रभु का महिमा देखेगा ना। क्यों ना 11:40, प्रभु का महिमा आज बहुत लोग क्यों नहीं देखता, उनको प्रार्थना में विश्वास नहीं, मिल गया करके कितना दुख लगता है ना। तो विश्वास का 10 फल याद रहेगा। हाँ, जैसे आत्मा का एक ही फल है, आत्मा का फल एक ही है, पर तो उसमें इतने मनो बात है, पर तो मुझे विश्वास का क्या है 10 फल याद रहेगा। ओके, आखिरी बात बोलकर जल्दी खत्म करूंगा। आखिरी द्वार है ना, ये है विश्वास का द्वार। आखिरी क्या है? मतलब सेवा का द्वार, सेवा का द्वार है ना। पहला कुरिंथियों 19:16 का, सॉरी 16:16 का 9 वचन, पहला कुरिंथियों 19:16 है ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। हाँ, देखा, मेरे लिए सुसमाचार के लिए एक द्वार खुला है, प्रियम बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में जहां पर भी जाने के समय में प्रभु का महिमा के लिए प्रभु हमारे लिए द्वार खोल कर देता है ना। आज नासिक में प्रभु हमारे लिए द्वार खोल कर रखा है। ये कोई एक बात, उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन, मतलब दूसरा कुरिंथी दूसरा अध्याय का 12 वचन, सॉरी दूसरा कुरिंथी, ये पहला कुरिंथी था, अभी दूसरा कुरिंथी दूसरा अध्याय 12 वचन। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। देखा, प्रभु ने वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अभी छोटा सा झुंड है ना, हमारे पास कोई इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन एक बात सच है, इस नासिक में प्रभु ने हमारे लिए द्वार खोल कर रखा है ना। जब फिलदेल्फिया मंडली को कहने के टाइम पर जब हमारा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 8 वचन पढ़ना, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, देखा, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, तुम सामर्थ्य थोड़ी सी है, तुम लोग छोटा सा झुंड है, लेकिन मैं तेरे लिए प्रभु का मेरी महिमा के लिए एक द्वार खोल कर रखा है, एक द्वार खोल कर रखा। कितनी देशों में, कितनी जगहों में बड़े बड़े कलीसिया है, मंडली है, पर तो द्वार बंद है, द्वार बंद है, पर तो प्रभु ने हमारे लिए द्वार खोल कर रखा, सुसमाचार सुनाने के लिए, आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए, सब द्वार खोल कर रखा प्रभु का निग्रह नहीं है ना। 7 द्वार प्रभु ने खोला है, आंख का द्वार खोला, आंख खोला, कान खोला, हृदय खोला या मन खोला, मुंह खोला, बुद्धि खोला, और विश्वास का द्वार खोला, और सुसमाचार का द्वार खोला। कितना अच्छी बात है ना, ये सब कौन किया? हमारे प्रभु ने किया है ना। प्रभु हमारे लिए क्या नहीं करता प्रिय, प्रभु ने हमारे लिए किया वो बातों के लिए प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, आने वाले दिनों में प्रभु के लिए और भी हमारे कार्य करने के लिए प्रभु आपको मदद करे, सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन।